मॉर्निंग। अब हम लोग डेसिमल का डेसिमल चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इसके एक्सरसाइज 7.3 7.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था, यानी बी नहीं, बी क्वेश्चन हो गया था, सी बताना था आपको। कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ अनलाइव डेसिमल टू लाइव डेसिमल। यहाँ पर अनलाइव डेसिमल दिए हुए हैं, इनको आपको लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला इसमें दिया है 6.2 और दूसरा है 6.21। ये क्या है? अनलाइव डेसिमल है। क्यों अनलाइव डेसिमल? क्योंकि इसने डेसिमल के एक प्लेस कर दिया है और इसने डेसिमल के दो प्लेस कर दिया है। तो लाइव डेसिमल में क्या करना है? लाइव डेसिमल में करना ये होता है कि दोनों को सेम करना है। तो दोनों को सेम करने का एक तरीका है कि या तो दोनों को एक प्लेस तक कर दे या तो दोनों को दो प्लेस तक कर दे। तो दोनों को एक प्लेस करने में क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि 6.21 है और 1 हटा दोगे तो वैल्यू इसकी क्या होगी? बदल जाएगी। तो इसलिए क्या करना है? दोनों को डेसिमल के दो प्लेस कर। तो लाइक इन लाइक डेसिमल, इन लाइक डेसिमल 6.20 हो जाए और दूसरा 6.21 हो जाए। ऐसे अगला देखिए जरा, ये फोर्थ अलग कर रहे हैं हम आपको। थर्ड थर्ड 8.01 इसमें डेसिमल के एक प्लेस तक है, इसमें डेसिमल के दो प्लेस तक है और इसमें डेसिमल के तीन प्लेस तक है। तो लाइक डेसिमल में क्या करेंगे? इन लाइक डेसिमल इन सबको हम किसमें ले जाएंगे? डेसिमल के तीन प्लेस तक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको डेसिमल के एक प्लेस तक ले जाएंगे तो ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये है, इसमें सबको क्या करेंगे? डेसिमल के तीन प्लेस तक। तो ये क्या हो जाएगा? 8.01 दिया ना, 8.1 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। बताया था ना डेसिमल के बाद आपको डिजिट लिखी है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो आप जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। ये क्या है? 8.01 लिखा है तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, क्या होगा? डेसिमल के तीन प्लेस तक हो गए। ये भी क्या है? 8.001 तीन प्लेस तक है। ऐसे ही आपको लाइक लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 7.4। आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। दो फिगर दिए हैं आपके सामने, दो फिगर दिए हैं। जैसे मैं आप एक बना देता हूं, एक बॉक्स ये बना है आपके सामने और ऐसे ही एक दूसरा बॉक्स दूसरा बना है और दोनों में कितने पार्ट किए गए? इक्वल इक्वल 10 पार्ट किए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां भी कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल कितने हो गए? 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पार्ट हो गए। पहले वाले में उसने तीन को कलर किया है, यहां से यहां तीन को कलर किया है और दूसरे वाले में उसने 7 को कलर किया है, 7 यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां से ऐसे किया, ऐसे किया। और आपसे कह रहा है कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन शूट करिए। तो ये हो गया 10 में से 3 ये कितना हो गया? 0.3 हुआ और 10 में से 7 ये कितना हो गया? 0.7 हुआ। तो कौन ज्यादा हुआ? तो यहां दो साइन हमें दिया गया, एक ये है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, जिधर बड़ा है उधर इसकी तरफ क्या रहेगा, मुंह रहेगा। ये क्या है, इसका मुंह इधर यानी इधर उधर बड़ा है, और इसका मुंह इधर है यानी इधर उधर बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, एस। क्यों, क्योंकि देखने को ही पता चल रहा है छोटा है और ये क्या हो गया बड़ा है। तो लेस देन ग्रेटर देन, उनके नीचे आपका डेसिमल नंबर भी लिखा है यानी 0.3 और 0.7। तो आपको देख के उसमें क्या करना है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन पुट करना है। तो 0.3 और 0.7 में कौन बड़ा है, 0.7 बड़ा है, ठीक है। दूसरा देखिए 0.25 और 0.18, 0.25 और 0.18 दूसरे वाले दिया है, कौन बड़ा है। तो डेसिमल के जस्ट बाद इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और डेसिमल के जस्ट बाद इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो उसमें कौन सा साइन लगेगा, एस। अब देखिए 0.32 और 0.36 आगे जो लगा लेंगे, तो डेसिमल के जस्ट बाद इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और डेसिमल के जस्ट बाद इसमें भी 3 है, तो दोनों तो अभी इक्वल है। लेकिन डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट्स में क्या है, 2 है, और डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट्स का क्या है, 6 है। तो अब कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो अब इसकी तरफ 2 आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग करेंगे पहले और दूसरे में, बी वाले में भी आपको नंबर देख कर ही पुट करना है, कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर है ये आपको बताना है, ठीक है। 0.25, 0.38। सी वाले में दिया है विच इज ग्रेटर, इसका जो सी वाला है क्वेश्चन उसमें भी आपको दिया है विच इज ग्रेटर नंबर। पॉइंट फोर, 0.4 और 0.5 में कौन डिजिट बड़ी है। तो देखिए डेसिमल के बाद पहले डिजिट इसकी क्या है, 4 है, और डेसिमल के बाद पहले डिजिट इसकी क्या है, 5। तो कौन बड़ा हो गया भाई, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 0.3 और 0.06, इसलिए हमको बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे, क्योंकि ये अनलाइक डेसिमल है। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये दो डिजिट का है, इसके बाद इसको भी दो डिजिट कर देते हैं। आप देखिए, देखने में पता चल रहा है, देखने में पता चल रहा है कि डेसिमल के जस्ट बाद इसमें 0 है और इसमें क्या है, इसमें 3 है और इसमें 0 है, तो ये तो अपने आप बड़ा हो गया ना। अब वैसे भी देख लेते हैं 30 है और ये 6 के बाद है, कौन सा बड़ा हो गया, ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं फिफ्थ वाला, 4.32 और 4.3, इन दोनों में कौन सी डिजिट बड़ी है। तो डेसिमल पहले लाइक अनलाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर, सॉरी अनलाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने में क्या होगा, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये 0 बड़ा है, ठीक है। आप ये 4.32 पढ़ लो अपने लिए पढ़िए, लेकिन पढ़ा जाता है 4.32, 4.32 और ये क्या है 4.30। तो देखो पहले डिजिट ये भी क्या है, सेम है, और ये भी क्या है, सेम है, तो इसमें छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे डेसिमल के जस्ट बाद डेसिमल के पास पास में क्या है, 3 है, और इसमें भी 3, अभी तक तो दोनों सेम है। अब डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट के क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट क्या हो गया, ये 2 बड़ा हो गया और ये 0 हो गया, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन करेंगे। अब हम आपको सिखा रहे हैं ऑर्डरिंग करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहचानना है। ये एक्सरसाइज 7.5, पहला क्वेश्चन आपको बता रहे थे, ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे, लिया है 2.5
फिर 8.22, फिर उसके बाद है 2.82, फिर उसके बाद है 3.22। इसको करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें खोजेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देख रहे हैं, देखने को पता चल रहा है कि सभी क्या है, लाइट डेसिमल है, लाइट डेसिमल है। तो अब लाइट डेसिमल में हम डेसिमल के पहले वाले नंबर को देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ये दोनों वाले छोटे रहे, ये दोनों वाले छोटे रहे, क्योंकि ये 8 है और ये 3 है। तो दो को तो छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों देखिए डेसिमल के आगे क्या है, दोनों का नंबर सेम है। अब डेसिमल के जस्ट बाद देखते हैं, तो डेसिमल के जस्ट बाद ये क्या है, 2 है, और ये डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, 8 है। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो पहले इस तो लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे छोटा होगा, कौन सा बोला मैंने, 2.28, फिर 2.82, ये हो गया। अब देखते हैं, अब ये 3 है और सॉरी ये 8 है और ये 3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो अब इसकी बारी देखने के लिए तो क्या लिखेंगे, 3.22 और फिर उसके बाद 8.22 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब अगला देखिए, थर्ड वाला बता रहा है 6.03, एक नंबर हो गया, दूसरा 6.30, फिर तीसरा 6.33 और चौथा 6.343। देखिए भाई, इसमें पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अब क्लास फोर किया ना इसलिए आपको मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है डेसिमल के बाद, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 3 है। तो इन लाइट डेसिमल क्या हो जाएगा, इन लाइट डेसिमल पहले करेंगे, लाइट डेसिमल क्या हो जाएगा, 6.03 दिया है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि 3 डिजिट सबको करना है। 6.300, 6.330 और हो गया 6.343। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो होल पार्ट तो सबके सेम है, होल पार्ट क्या है, सबके सेम। तो लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, होल पार्ट सबके सेम है। तो आप डेसिमल के जस्ट पहले वाला पार्ट देखेंगे, तो ये 0 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा, ये हुआ। तो हो गया 6.030 पहले आ गया। अब इसके बाद इसको देखें, तो इसमें तो मालूम चल गया ये सबसे छोटा, इसको छोड़ दीजिए, इसका हो गया। अब इन तीनों में देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले डिजिट देखें, सबका सेम है, यहाँ 0.3 है, यहाँ भी 0.3, यहाँ भी 0.3, तो ये सबका सेम है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट, तो इसका क्या है, 0 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इसका नंबर ये सबसे छोटा हो गया, इन तीनों में सबसे छोटा हो गया 6.300। फिर इसमें इसमें क्या है, तो इसमें देख रहे हैं आप लोग कि डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट बाद ये 3 है और ये 4 है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो कितना हो गया 6.330 और फिर हो गया 6.343। ऐसे आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर, और ठीक ऐसे ही आपको खोजना है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर के चैप्टर से सिखा देते हैं, ठीक है।
डिसेंडिंग ऑर्डर का बी वाले का, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो 1.01 फिर 1.11 फिर 22.67 फिर 21.20 और फिर 6.22। तो इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा। तो हमको क्या खोजना होगा, पहले इसमें सबसे बड़ा लिखना। तो ये लाइक डेसिमल है, तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने को ये होता है क्योंकि लाइक डेसिमल में है। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा नंबर, तो होल पार्ट लिखते हैं। पहले होल पार्ट, ये 1 है, ये 1 है, ये 22 है और ये 21 है और ये 6 है। तो 22 और 21 में सबसे बड़ा कौन हो गया, 22। तो इस नंबर को लिख लेते हैं पहले 22.67 और इसके बाद कौन है, 21। तो हो जाएगा 21.20। अब ये 22 कैंसिल हो गए, खत्म हो गया, लिख लिया मैंने। अब इसमें इन तीनों में कौन बड़ा है, ये आ रहा है 6, तो 6.22, ये तीसरा भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, देखो डेसिमल के जस्ट बाकी 0 है और डेसिमल के जस्ट बाकी 1 है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1.11 और फिर 1.01। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसमें एक और बताते हैं आपको, फोर्थ वाला 2.3, 2.22, 2.32, 2.33 और 2.332। तो यहां देख रहे हैं कि ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है, ये डेसिमल के एक है, ये डेसिमल के दो है और ये डेसिमल के तीन है। तो सबको पहले क्या करना होगा, लाइक डेसिमल में करना होगा। तो इन लाइक डेसिमल सबको कितने तक लिया है, डेसिमल के तीन डिजिट तक। तो ये क्या हो गया, 2.300, ये हो गया 2.220, ये हो गया 2.320, ये हो गया 2.230 और ये हो गया 2.332। लाइक डेसिमल। अब इसको आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करना है, देखिए तो पहले होल पार्ट लिखेंगे, तो होल पार्ट को सबका 2 है, होल पार्ट यहां पर क्या है, सबका 2 है। तो अब हम डेसिमल पार्ट में प्रवेश करते हैं और डेसिमल पार्ट में सबसे पहले क्या देखेंगे, 1 डिजिट, डेसिमल के जस्ट बाद में डिजिट। तो डेसिमल के जस्ट बाद क्या चीज है, ये 2 है, ये कम हो गया, ये भी 3 है, ये 2 है, ये भी कम हो गया, ये भी 2। तो अब हमको देखना है इसमें, इसमें और इसमें, ना डेसिमल के जस्ट बाद इसमें जस्ट दूसरी डिजिट आप देखेंगे। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो अब ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें देखेंगे, तो ये सॉरी इसमें और इसमें देखेंगे, ये क्या हो गया, पहला नंबर हो गया 2.332, पहला नंबर हो गया। अब इसके बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, उसके जस्ट बाद ये आएगा, है ना, बोलिए भाई। तो नहीं, ये नहीं आएगा, डेसिमल के जस्ट बाद 3 है लेकिन उसके बाद क्या है, 0 है। और इसमें देखिए, इसमें जस्ट बाद 3 है लेकिन उसके बाद क्या है, 2 है। तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, तो यहां हो जाएगा 2.320। इसके बाद ये आएगा 2.300। कौन कौन से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब बचा है मेरे पास ये, डेसिमल के जस्ट बाद क्या 2 है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर दूसरे डिजिट क्या है, 2 है और यहाँ पर ये 3 है, तो ये बढ़ी हो गया।
तो यह हो जाएगा 2.2230 और उसके बाद 2.220 हो गया। तो इस तरह से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आगे हम आपको बताएंगे, तब तक आप लोग इसमें जितना एक्सरसाइज है वो कर डालेंगे, जितना हम लोग भी है। ठीक है, थैंक यू।